दोस्तों, हमेशा हम खूबसूरती को सबसे ज्यादा उसके शरीर से ही आंकते हैं। कभी भी आपने देखा होगा कि इंसान का शरीर का ढांचा जिस तरह से बना होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि बंदा किस प्रकार का है। यानी कि वह देखने में अगर गुड लुकिंग है तो वह अच्छा होगा, यदि वह थोड़ा सा भी आड़ा टेढ़ा होगा तो समझ लीजिएगा कि वह बंदा कैसा होगा। तो आज मैं बताती हूँ आपको सुंदरता के कुछ गुण, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी सुंदरता, जैसे कि अगर दांतों में थोड़ा सा भी गैप होता है तो हंसी मजाक करने पर वह बंदा हिचकिचाता है हंसने के लिए जिसके दांतों में गैप होता है, क्योंकि उसे अपनी हंसी का पात्र नहीं बनना होता, क्योंकि वह जानता है कि हर कोई व्यक्ति उसके दांतों की खुली हुई जगह को देखकर हर कोई सवाल करेगा या फिर उसका मजाक उड़ा सकता है। तो इसलिए वह हमेशा हंसने के लिए रोकना टोकना लगा ही रहता है। वह हमेशा अपनी हंसी को दबा कर रखते हैं और कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते। पर एक, यदि किसी व्यक्ति के दांत में खुली जगह है तो समझ लीजिए वह सबसे ज्यादा धनवान होगा। धनवान होने के साथ साथ वह खर्चीला भी होगा और अपने लिए हमेशा तत्पर तैयार रहेगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमेशा धनवान होते हैं, साथ के साथ खर्चीले भी होते हैं, लेकिन अपने लिमिट के हिसाब से ही खर्च करते हैं। कहते हैं कि ये व्यक्ति सबसे ज्यादा धनवान पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, यदि आपके शरीर के कोई भी अंग में थोड़ी सी भी कमी है तो वह आपके लिए लाभदायक हो सकती है। नंबर दो, यदि आपकी शादी किसी ऐसी लेडी से हुई है जिसके दांतों में थोड़ा सा गैप है, तो समझ लीजिए कि आपको खुदा ने ऐसी लड़की बख्शी है जो लड़की आपके जीवन को हरा भरा बनाए रखेगी। और ऐसी लड़की शक्ल से तो सुंदर होती है, साथ के साथ उसकी सीरत भी उतनी ही सुंदर होती है जितनी की वह, और आपके जीवन में वह स्वर्ग की अनुभूति कराती है। वह कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगी और आपके साथ रहेगी तो वह आपको धनवान बनाए रखेगी और आपकी जिंदगी में जिस चीज की कमी है उन चीज को भी पूरा करेगी। नंबर तीन, यदि किसी लेडी या जेंट्स के दांतों के बीच में अगर गैप है तो समझ लीजिए कि ये बुद्धि की उनकी प्रवक्ता दिखा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि यदि दांतों के बीच में गैप है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति दिमाग से बहुत तेज है। उसका दिमाग इतना तेज होता है कि वह अपनी तरक्की खुद ही तय करता है और तय करने के साथ साथ उस तरक्की तक पहुंच भी जाता है। चार, यदि आपके दांतों में गैप है तो समझ लीजिए आप जिंदा दिल होंगे, साथ के साथ आप उस महफिल की जान होंगे जिस महफिल में आप बैठेंगे, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप जिस महफिल में बैठे हैं तो वहाँ हंसी मजाक तो होगा ही होगा, साथ के साथ उस पार्टी में आप ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से हर कोई व्यक्ति आपको याद करेगा और आपकी छवि उस पार्टी में सबसे अलग और अनुभूति देगा। पांच, वैसे तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन वह अपनी लिमिट के अनुसार ही बोलते हैं। ये किसी को गलत नहीं बोलते और ओपन माइंडिंग होते हैं, जिसकी वजह से वह हमेशा महफिल में हमेशा एंजॉयबल रहते हैं, घर के परिवार के सदस्यों को भी खुश रखते हैं और कभी भी बोरिंग नहीं करने देते। आपके अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है, यदि उसके दांत में बीच में जगह है तो समझ लीजिए कि वो एंटरटेनमेंट के लिए अकेला ही काफी है, आपको उसका पास साथ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है वह व्यक्ति, यदि दांतों में किसी के गैप है तो वह संकोची ना बने और अपने आप को भाग्यशाली समझे, क्योंकि यह हर किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं। यदि आपके दांतों में भी गैप है तो समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा खुशहाल और सबसे अच्छी रहेगी। और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।